सो फाइनली एक अरसे के बाद आखिर जेम्स गन की घर वापसी हो ही गई। वो आ गए हैं अपने अगले प्रोजेक्ट रेबल मून के ट्रेलर के साथ, और इस ट्रेलर को देख के साफ समझ में आ रहा है कि इस मूवी की स्टोरी आज से कई हजारों साल बाद की होगी, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि स्पेस ट्रेवल कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ह्यूमन काइंड ने और भी प्लैनेट्स पे रहना शुरू कर दिया होगा, और अब वहाँ उन प्लैनेट पे वॉर शुरू होने वाला है जिसको रोक सकती है ये प्रिंसेस ईसा, जो कि है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, जो कि वॉर को खत्म कर सकती है। इसके अगले ही फ्रेम में हम देखते हैं कि इस लड़की के घर पे अटैक होने वाला है, जिसके कुछ ही देर बाद हम इसको फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। फाइट के बाद हम एडमिरल एटिकस के मुंह से सुनते हैं कि वो उसे स्कार गिवर कह के बोलता है, जिसको वो बहुत पहले से ढूंढ रहा था। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों। इसके अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि ये दो मोहतरमा आपस में लड़ रही हैं, और फाइट के दौरान ये वाली मोहतरमा कहती है कि बदले और इंसाफ में फर्क होता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है जिसकी वजह से ये बदला लेने निकली है। इसके अगले शॉट में हम एडमिरल को कहते हुए सुनते हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये उसकी बात नहीं मानता और प्लेनेट छोड़ के भाग जाता है। इसके अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि एक नए किंग को क्राउन पहनाया जा रहा है, क्योंकि पुराने किंग की डेथ हो चुकी है। ट्रेलर में आगे हमें ये भी बताया गया है कि राजा सिर्फ एक आदमी है, जो कि गलत भी हो सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग प्लेनेट पे जा करके अपनी खुद की एक टीम बना रहे हैं ताकि वो वॉर के अगेंस्ट लड़ सके, और इस टीम को हम लोग ट्रेलर के एंड में देख भी सकते हैं, एंड आई थिंक इसी टीम का नाम होगा रेबल मून। ये मूवी काफी हद तक स्टार वॉर्स की याद दिलाती है, और दिलाएगी भी क्यों नहीं। जैक स्नाइडर इस मूवी की स्टोरी को लेकर के सबसे पहले डिज्नी के पास ही गए थे और उनसे कहा था कि वो एक स्टार वॉर्स की एक स्पिन ऑफ की ट्रायोलॉजी बनाना चाहते हैं, पर डिज्नी के कुछ और ही प्लान थे, इसलिए ये आइडिया वहीं पे ड्रॉप हो गया। फिर नेटफ्लिक्स ने एंट्री ली और जैक स्नाइडर को अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के मूवी बनाने का ऑफर किया, इसलिए ये मूवी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी, थिएटर में नहीं। इस मूवी की रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 की रखी गई है, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट होगा, जिसका पूरा नाम है रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर, और इसके 4 महीने बाद ही इस मूवी का दूसरा पार्ट भी हमारे सामने आ जाएगा, रेबल मून द स्कार गिवर। मैंने कहा था ना ये नाम इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से हम लोग इसके सेकंड पार्ट में इस कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम इसके पास्ट के बारे में जानेंगे और हमें ये पता चलेगा कि आखिर इस कैरेक्टर का नाम स्कार गिवर क्यों पड़ा। चिंता मत करो, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी अगले साल ही 19 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी। बस तब तक के लिए अपना अपना देख लेना।